आज बहुत ही खुशी का दिन है, 15 अगस्त। आज जो है पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी के नेतृत्व में जो तिरंगा बाइक यात्रा निकाली जा रही है, आज हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी आए हैं। आप देख सकते हैं कि आज किस प्रकार भारी वर्षा के बाद भी जो है हमारे साथी यहाँ उमड़े हैं, बाइक लेकर के आए हैं। इस यात्रा को हम एक ऐतिहासिक यात्रा बनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार आज तराई तराई मची हुई है, किस प्रकार मौजूदा सरकार से आज हर वर्ग दुखी है, किस प्रकार आज युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ये तिरंगा यात्रा उस चीज का भी प्रतीक है कि किस प्रकार आज ये तिरंगा यात्रा एक जो है तिरंगा यात्रा एक उदाहरण बनेगा और इस जो है सरकार को दानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इस तिरंगा यात्रा देखा जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवा अब की बार सरकार को पलटने का काम करेंगे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार जल्द ही बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, वोट भी नहीं पाएंगे, युवा सबसे आगे बढ़ते हैं, रोजगार में भी आगे बढ़ते हैं। अगर सीमा की बात करें तो युवा ही आगे बढ़ता है, युवा का योगदान कैसे है? बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है। किस प्रकार जो है हमारे देश की सीमा पर सुरक्षा हमारे जवान करते हैं, किस प्रकार हमारे जो साथी हैं, जो युवा साथी हैं, किस प्रकार देश के भविष्य के लिए जो है बड़े बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं ताकि देश को अच्छा भविष्य मिल सके। पर मौजूदा सरकार में नीट, यूजीसी, नेट और इतनी बड़ी परीक्षाएं जो है आप जो है लीक मिलती है कि कितनी बड़ी धांधली देखने को मिलती है। आज युवाओं में इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं में रोष है, इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। आज मैंने इतनी तादाद में देखा कि रामकिशन फौजी के एक गुलाव में इतने युवा इकट्ठे हो गए, इतना लगाव कैसे है? क्योंकि फौजी साहब जो है उन्होंने निरंतर जो है प्रयास किया है, क्षेत्र का विकास किया है। युवा साथियों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम नगर में यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। अगर मैं युवा साथियों की बात करूं तो निष्पक्ष जो है भर्तियां कांग्रेस की सरकार में हुई। अगर मैं भवानीखेड़ा क्षेत्र की ही बात करूं तो किस प्रकार आपने देखा होगा कि महिला कॉलेज का निर्माण किया गया, किस प्रकार जो है हमारे गांव में जहां पे पानी की किल्लत थी वहां बूस्टिंग स्टेशन बनाए गए। जो पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी ने जो है विकास के कार्य किए, आज उसको लोग देखते हैं, जो तुलना करते हैं तो आज हजारों की संख्या में न सिर्फ युवा बल्कि पूरा हल्कावासी हमारे साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे अब की बार पूर्व सीपीएस जो है रामकिशन फौजी जी हमारे विधायक बनेंगे, न सिर्फ विधायक बनेंगे बल्कि मंत्रिमंडल मिलने का कार्य यात्रा। ये जो यात्रा है हमारी बस स्टैंड से होकर के मेन बाजार में जाते हुए आशी चुंगी से और जो हमारा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस कार्यालय का उद्घाटन जिन्होंने किया जिस कार्यालय का उद्घाटन किया था वहाँ पर हम इसका समापन करेंगे।